वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग समर स्किन केयर रूटीन, नहीं समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। देखा जाए तो सीजनल सब्जियों की तरह मैं मेरे सीजन टू सीजन अपने स्किन के प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करती हूँ, इक्का दुक्का ही उसमें चेंज होता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ आपको वीडियो में आगे डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। जो भी है देखा जाए तो ये होने वाला है वर्ल्ड का सबसे ईजिएस्ट स्किन केयर रूटीन। वाई? बिकॉज मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जाती हूँ, मुझे खुद को जोर आता है। अगर कोई मैं वीडियो देख लूँ ना 10-12 स्टेप वाला तो मेरा मूड ही खराब हो जाएगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरे ऑडियंस के साथ में। सोया चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल वाला स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग वाला, समर वाला। लेट्स गेट स्टार्ट। Alright, so once I'm in my washroom, after brushing my teeth, first thing that I like to do is a splash lots and lots of cool water on my face to activate my facial skin. Now for face wash slash cleanser, इसके लिए मैं यूज करती हूँ VLCC तुलसी एक्ने क्लियर फेस वॉश। This is such an amazing face wash, suitable for all skin types. थोड़ा सा लेती हूँ, you don't even need much quantity, और अपने face पे gently इसे apply करती हूँ। Now ये face wash में हल्के हल्के से tiny beads हैं, जो जब आपकी skin पे पानी के contact में आके burst होते हैं, it gives an amazing feeling, क्योंकि आपको ये हल्का सा cooling sensation देता है, which is great for summer. Once done, मैं इसको पानी से क्लीन कर लेती हूँ। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्क्रब। इसके लिए आई लाइक टू यूज दिस बायोटिक बायो पपाया टैन रिमूवल रिवाइटलाइजिंग स्क्रब। कुछ इस तरीके का दिखता है, जस्ट लाइक अ क्ले मास्क। थोड़ा सा इस स्क्रब को लेके अपने फेस पे स्प्रेड कर देती हूँ एंड देन वेट फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ। नाउ ये टैनिंग रिमूव करता है, एट द सेम टाइम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को एलिमिनेट करता है। देखा जाए तो मैं ये वाला स्टेप डेली नहीं करती हूँ, आई जस्ट डू इट ट्वाइस और मैक्सिमम ऑफ थ्राइस अ वीक। सो वंस डन, वंस आई मसाज इट फॉर लाइक 30-40 सेकेंड्स, आई जस्ट लाइक टू वॉश ऑफ माई फेस एंड देन पैट इट ड्राई एंड टू प्रिपेयर माई स्किन फॉर द नेक्स्ट स्टेप जो कि है टोनर। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ कामा आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर। रोज वाटर एक्ट्स एज अ ग्रेट अमेजिंग टोनर, आई मीन बहुत सही रहता है। इसे हल्का सा लेके अपने फेस पे स्प्रे कर देती हूँ एंड देन आई लाइक टू लीव इट फॉर अबाउट 30-40 सेकेंड्स, जब तक कि मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज फेस मास्क, और इसके लिए मैं यूज करती हूँ प्लेन थिक योगर्ट, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल रही हूँ अभी। एंड देन आई जस्ट लाइक टू पुट अ थिन और स्लैश मीडियम लेयर ऑन माई फेस, क्योंकि देखा जाए तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है दही को लगाना। ये आपकी टैनिंग भी रिमूव करता है, जो समर में सबसे बड़ा इशू होता है। और देखा जाए तो इसको आपको ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट लीव इट फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स और मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। यूजुअली जो फेस मास्क होते हैं वो टाइम लगाते हैं ड्राई होने में भी, और डेली बेसिस पे किसी के पास टाइम नहीं होता। तो आफ्टर 2-3 मिनट्स या फिर 5 मिनट के बाद I just like to wash off my face. ये मेरे face को काफ़ी अच्छे से hydrated रखता है। And once that is done, हम चलते हैं हमारे next step पे जो कि है moisturizer. और इसके लिए I like to use this Biotic Morning Nectar Flawless Moisturizer. इसमें SPF वाला भी आता है, आप वो भी try कर सकते हैं। थोड़ी सी quantity ले रही हूँ और इसे अपने face पे अच्छे से spread कर दूंगी। इसकी जो स्मेल है वो काफी अच्छी है। इसे अपने नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज सनस्क्रीन। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक विद SPF 50 एंड आई डो नॉट नो हाउ मेनी प्लसेस। सो इतना अमाउंट लेके एंड देन आई लाइक टू जस्ट स्प्रेड इट ऑन माई फेस। ये 20 सेकेंड्स के लिए, इनिशियल 20 सेकेंड्स के लिए हल्का सा वाइट लगता है, बट देन ये आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ इस तरीके से अपने ईयर, अपने नेक और जो भी एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे आपने इसे लगा देना है, जस्ट लाइक दिस। एंड वंस दैट इज डन, मैं चलती हूं मेरे लिप मॉइस्चराइजर पे। इसके लिए आई यूजुअली गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शन जो कि है निव्या के ही, एक तो बेसिक लिप बाम है एंड देन एक फ्रूटी शाइन है। मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ दिस बेसिक ब्लू वन, और इसे अच्छे से अपने लिप्स पे लगा दूंगी।
ये काफी अच्छा है। इसका एक वैसा भी आता है जो फ्रूटी शाइन वाला है। दिस इज अ स्क्वीजी ट्यूब पैकेजिंग एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। व्हाई? बिकॉज ये बहुत जल्दी से हो जाने वाला था, बहुत ही अफोर्डेबल था सबसे इम्पोर्टेंट, और हम इजिली कर सकते हैं। आई होप आपको मजा भी आया होगा ये वाला वीडियो देखने में। इफ यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। और भी मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। पूरी स्किन के प्लेलिस्ट छान मार सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए चेक करने में क्या जा रहा है देख सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।